أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين Dear viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Quran Sunye aur Sunaye ke saath aapka mezban Muhammad Suhail Raza Amjadi aapki khidmat mein hazir hai. Nazin wa samain, aap jante hain ki hum program ka aghaz Quran o Hadith ki baat se kiya karte hain. Hum kuch program se hum is par baat kar rahe hain ki मौजूदा इन हालात में इतने पुरखतर हालात में एक अनदेखा दुश्मन, एक तो दुश्मन होता है ना सामने होता है, एक दुश्मन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, अनदेखा दुश्मन हम पर मुसल्लत है. और नाज़रीन आए दिन जो है वो बेड न्यूज़ आती हैं कि कोई पेशेंट हो चुका है कोरोना वायरस का, कोई कोरोना वायरस का पेशेंट इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, मुख्तलिफ न्यूज़ आती हैं. तो इन हालात के तनाज़ुर में हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, तो मैंने इस पर अर्ज़ किया कि चाहे मुआशी हो चाहे जान का मामला हो, हमारी हिकमत अमली क्या हो. इसी तरीके से नाज़रीन इन हालात में हमें सोचना क्या चाहिए, अपने आप को रिव्यू करना चाहिए, इस पर बात हुई. फिर इसके साथ साथ नाज़रीन जो इन हालात के तनाज़ुर में जो है वो हम मिसबिहेव करते हैं, इस पर हमें क्या करना चाहिए. आज हम बात करेंगे कि पुरख़तर और हंगामी हालात में जहाँ दीगर चीज़ें मुतासिर होती हैं वहाँ तालीम भी मुतासिर होती है, तो हमें मज़हब इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है, क्या मिसालें देता है कि हालात में एजुकेशन को बरकरार कैसे रखा जाए. आप इन हालात में देख लें कि कितने महीने गुज़र चुके हैं, तकरीबन 4 महीने गुज़र चुके हैं और बच्चों की तालीम मुतासर है, एजुकेशन मुतासर है, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या दारुल उलूम हों या मदारिस हों, तालीमात मुतासर हो चुकी हैं. आज फिर कुछ अरसा पहले नाज़रीन इस बात पर आया गया कि हम जो है वो यानी वर्चुअल तालीम का, वर्चुअल एजुकेशन का बंदोबस्त करें और नाज़रीन नेट के ज़रिए या स्कैप के ज़रिए किसी ज़रिए भी हम बच्चों को तालीम दे सकें. अब यहाँ पर आप देखें कि तालीम तो नागुज़ीर है और इस्लाम आया ही तालीमात लेकर आया है. इस माशरे को जहालत के अंधेरों से दूर करने के लिए आया है, इस माशरे को कुफ्र और शिर्क की अंधेरी घाटियों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी की तरफ लेकर जाने वाला बन कर आया है. नाज़रीन व सामईन आप देखें, इस्लाम तो जहालत को दूर करता है, तो लिहाजा ये भी कहा जाए कि तालीम माशरे की एक आला कदर है, माशरती कदरों में से कदर है, तो इसे किसी हालत में भी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए. इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाए कि कुरान करीम की जो पहली वहीय मुबारका, पहली आयत करीमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें क्या फरमाया गया, इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से कि जिसने पैदा फरमाया. तो लिहाजा नाज़रीन तालीम एजुकेशन किसी हालत में भी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. मैं चंद मिसालें देता हूँ. आप ये देखें नाज़रीन कि दारे अरकम में छुप कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफार से, मुशरिकीन से, मुनाफिकीन से छुप कर अपने सहाबा को एजुकेशन दी, अपने सहाबा को तालीम से आशना करवाया. इसी तरीके से नाज़रीन मदीना मुनव्वरा में आ जाइए तो आप देखें कि कई सहाबा ऐसे थे जो असहाबे सुफा, जिनके नाम से मशहूर है असहाबे सुफा का चबूतरा, तो वहाँ बैठकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एजुकेशन लिया करते थे, तालीम हासिल किया करते थे. और खुतबे हज्जतुल वदा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कमो बेश 1,24,000 या 25,000 सहाबा मौजूद है. और नाज़रीन आका अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा इरशाद फरमाया तो फिर आखिर में क्या फरमाया,
जो लोग मौजूद हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं। फिर ये भी फरमाया कि फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा। अब सुन लीजिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो जो यहाँ पर मौजूद हैं वो जाकर मेरा ये पैगाम जो मौजूद नहीं उन तक पहुँचा दें। अब देखें नाज़रीन, ये उस वक्त यूँ समझ लीजिए कि तालीम को फैलाने का एक मीडियम था, आपने वो इख्तियार फरमाया, जिसे आप मोबाइल एजुकेशन कह लीजिए, कि जो मौजूद है वो जो मौजूद नहीं है तो मौजूदीन जो हैं गाइबीन को जाकर ये मेरा पैगाम पहुंचा दें, जो इस खुतबे में मौजूद नहीं उनको जाकर मेरा ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। तो मोबाइल एजुकेशन का तस्वुर यहीं से ज़ाहिर होता है। इसी तरीके से नाज़रीन आप देखें कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही मुबारक नाज़िल होती, ये सारे मामलात थे। अब ज़ाहिर है कि सहाबा किराम के हाफिज़े बड़े कवि थे, याद कर लिया करते, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मरहला आ जाए कि जंग हो जाए, वो सहाबा ना रहें या जिनके सीनों में वही मुबारक महफूज है वो ना रहे, तो फिर क्या होगा। तो उस वक्त जो जदीद मीडियम था एजुकेशन का वो तहरीर था, राइटिंग थी। आपने सहाबा किराम को वो हुक्म दिया कि ये वही मुबारक कुरान से मुतालिक है, ये वही मुबारक मेरी हदीस पाक से मुतालिक है। तो आपने उस दौर में जो जदीद मीडियम था आपने उसे इख्तियार फरमाया। तो इसी तरीके से आज के दौर में हम कहें कि एजुकेशन कैसे हासिल करें, अगर स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो फिर घर बैठे तालीम कैसे हासिल करें। तो नाज़रीन, इस दौर का जो जदीद मीडियम है वो नेट है, मोबाइल एजुकेशन है, वर्चुअल एजुकेशन है। जिस तरीके से भी हो सके तालीम को डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। आजकल तो हम एक बटन दबाते हैं, पूरी दुनिया हमारे सामने होती है, तो एक बटन दबा कर क्या एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हालात बहरहाल पुरखतर हैं, लेकिन इन हालात में भी तालीम को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हालात नॉर्मल हो जाए, फिर आप स्कूल भी जाएँ, कॉलेजेस भी जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ भी जाएँ। अल्लाह ताला हमें तालीम हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें इल्म से मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। नाज़िर, चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह यूनुस, इसकी आयत नंबर 42 है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 42 मुकम्मल आयत करीमा आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाए, स्क्रीन के सामने मौजूद है कलम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुगतुल कुरआन हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है। आइए तआव्वुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون। यहाँ पर आप देखिए इलाइक का वक्फ की सूरत में इलाइक पढ़ेंगे, ता वक्फ मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना यह कि या रुकना बेहतर है, ला या किलूना पढ़ेंगे, वक्फ की सूरत में ला या किलून पढ़ा जाएगा। नाज़िन व सामईन, देखते हैं कितने कलिमात हैं। वाव एक कलिमा, मिन दूसरा, और हम तीसरा, यस्तमीऊना चौथा। वाव पहला, मिन दूसरा, हम तीसरा, मन चौथा, यस्तमीऊना पाँचवा, इला छठा, और आ हमज़ा ज़बर आ जो है सातवां, फा आठवां, और इसके बाद तुस्मीउ नवा, असुम्मा दसवां, लव ग्यारहवां, कानू बारहवां, और इसके बाद आप देखें ला तेरहवां, या किलूना चौदहवां। कुल यहाँ पर 14 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बग़ौर मुलाहिज़ा फरमाएं। व मिन हुम मन यस्तमीउना, यहाँ मिलाकर पढ़ने की सूरत में मिन हुम में जो हम में मीम साकिन है, इसे मन की मीम के साथ मिलाकर मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा, और मन में नून साकिन है, इसे यस्तमीऊना की या के साथ मिलाएंगे और या की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। यहाँ पर यरमनून का कायदा अप्लाई किया जाएगा। वामिन हुम मैयस्तमीऊना, ये असल में इलाही का के साथ इस्तेमाल हुआ, इलाई पढ़ा गया, इलाई का वक्फ करेंगे तो इलाइक पढ़ेंगे। आ फा अंता,
अफा अंता तुस्मीउ अस्सुम्मा, मिलाकर पढ़ने की तो सूरत में तुस्मीउ में आइन पर पेशे से अस्सुम्मा के स्वाद के साथ मिलाएंगे। दरमियान से अलिफ यानी हमजा को अज़फ़ किया जाएगा। स्वाद हरफ शमसिया है। हरफ शमसिया वो हरफ की जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। तुस्मीउ अस्सुम्मा वलौ कानु ला याकिलून वलौ कानु ला याकिलून, यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो ला याकिलून पढ़ेंगे। चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर इसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा कौन से, अफ़ाल कौन से, हरूफ कौन से हैं, तो उनकी निशानदही के साथ लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जमा भी अर्ज़ करेंगे। क़ुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन्हुम मन यस्तमिउन इलैक, मन यस्तमिउन इलैक अफ़ा अंता تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। ये आयत नंबर नाज़रीन 42 है। चले जी इराब लगाते हैं। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। नाज़रीन इंशाल्लाह हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन वसामईन चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और यहाँ पर हम एराब भी लगा चुके हैं, सबक भी लिख चुके हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला जो इस्म है हम ज़मीर, ज़मीरें यहाँ पर कितनी हैं, मिन हम में हम, इलेका में का, अंता, तीन ज़मीरें हैं हम का और अंता। दूसरा इस्म है मन और तीसरा इस्म है अस्सुम। तो यहाँ पर नाज़रीन कुल मिलाकर तीन जो है वो अस्मा हैं। नंबर एक हम का और अंता, नंबर दो मन, नंबर तीन अस्सुम। तीन यहाँ पर अस्मा है नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला जो फ़ेल है वो है यस्तमीउना, पहला फ़ेल है यस्तमीउना, दूसरा फ़ेल है तुस्मीउ, तीसरा कानू, चौथा याकिलून। पहला यस्तमीउना, दूसरा तुस्मीउ, तीसरा कानू, चौथा याकिलून। तो चार यहाँ पर अफ़ाल हैं। अब हम देखते हैं कि हरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ नाज़रीन हम देखते हैं वो है वाव, दूसरा मिन, तीसरा इला, चौथा आ, पांचवा फा और वाव गुज़र चुका है,
और छठा जो है वो लव है और सातवां है ला। कुल सात यहाँ पर हुरूफ मौजूद हैं, वाव, मिन, इला, आ, फा, लौ और ला। नाज़रीन तीन अस्मा, चार जो है वो अफ़ाल, तीन और चार सात, और सात हरूफ कुल मिलाकर 14 कलिमात यहाँ पर मौजूद हैं। अब चलते हैं सबसे पहले अस्मा की जानिब। हम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो हम की शक्ल में होती है। मुत्तसिल होने की सूरत में बाज़ुकात हिम की शक्ल में भी होती है। हम या हिम, इसका माना होगा वो सब, उन सब, उन्हें। का वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो का, मुनफसिल हो तो अंता। का या अंता, इसका माना होगा तू, आप, तुझे। नाज़िन का भी यहाँ मौजूद है, अंता भी मौजूद है। इलई का और अफा अंता। मन जो है इसमें मौसूल है। मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना। चूँकि इसमें मौसूल अपने माकबल और माँ बाप से इसका रब्त होता है, लिंक होता है, इसीलिए इसको मौसूल कहते हैं। जुमले में जो यूज़ होता है तो जुमले के मकसद को वाज़ह करता है। और नाज़िन ये ज़वील उकूल इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जो जिस जिसे इनमें से करीने के अतबार से कोई माना भी कर सकते हैं। इसके बाद है सुम। सुम कहते हैं बहरा। सुम कहते हैं बहरे को। सुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउन। अंधे अंधे, गूंगे, बहरे, ला यरजिउन, ये लौटने वाले नहीं हैं। नाज़िन मसामीन, तो सुम का माना है बहरा और बुकमुन का माना है गूंगा, उमयुन का माना होता है अंधा। आइए नाज़िन चलते हैं अफ़ाल की जानिब। यस्तमिउना फ़िले मुज़ारे मारूफ, सीगा जमा मुज़क्कर गाइब, और इसका माना है कि जो कान लगाकर सुनते हैं या जो कान लगाकर सुनेंगे। नाज़िन यहाँ पर प्रेजेंट का माना यानी हाल का माना होगा, जो कान लगाते हैं या कान लगाकर सुनते हैं। इसके बाद है तस्मीउ, फ़िले मुज़ारे मारूफ, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और इसका माना है कि तू सुनाता है या तू सुनाएगा या आप सुनाते हैं या आप सुनाएंगे। और यहाँ पर ये भी प्रेजेंट के माना में कि आप सुनाते हैं या तू सुनाता है। इसके बाद नाज़िन अगला जो फ़ेल है कानू। कानू फ़ेल माजी मारूफ के वज़न पर सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो थे। इसका माना है वो थे या वो हों, दोनों में से कोई माना भी कर सकते हैं ये फ़ेल नाज़िन। और इसके बाद है या किलूना फ़िले मुज़ारे मारूफ, सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है कि वो अक़ल रखते हैं या वो अक़ल रखेंगे, और वो अक़ल रखते हैं इसका माना ये होगा प्रेजेंट के अतबार से। अब नाज़िन काना जब फ़िले मुज़ारे पर दाखिल होता है तो माजी इस्तेमरारी का माना देता है, तो उसमें ये भी शर्त है कि जो फ़िले मुज़ारे का सीगा होगा वही काना का सीगा होगा। फ़िले मुज़ारे सीगा जमा मुज़क्कर गायब, तो कानू भी सीगा जमा मुज़क्कर गायब। हाँ, ज़माना मुख्तलिफ हो सकता है। तो अब नाज़िन इसका माना क्या होगा, कानू ला याकिलूना, क्योंकि ला भी दरमियान में है। ला याकिलूना वो अकल नहीं रखते, ला याकिलूना वो अकल नहीं रखते, तो कानू ला याकिलून के वो अकल नहीं रखते थे, वो अकल नहीं रखते थे। इसके बाद चलते हैं नाज़िन हरूफ के, यानी वाव का माना और है, मिन का माना है से। मिन यहाँ तबईस के लिए है और आम तौर पर मिन वान हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इला गायत के लिए इस्तेमाल होता है, इसका माना तरफ की तरफ, दोनों में से कोई माना भी कर सकते हैं। हमजा ज़बर आ ये इस्तेफाम के लिए, इसका माना है क्या। फा का माना पस है, तो दोनों में से करीने के अतबार से कोई माना भी कर सकते हैं। लव का माना होता है अगरचे, और ला का माना जो है वो नाज़िन इसका माना नहीं, ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है, नहीं का माना, नफ़ी का माना देता है। नाज़िन व सामईन, 14 कलिमात में एक ही कलमा ऐसा है जो आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वह है मिन। मिन वान। आइए नाज़िन हरूफ को आपस में मिलाकर कलिमा, कलिमात को आपस में मिलाकर जुमला, कलाम या आयत कैसे बना करते हैं, तो आइए मुलाहज़ा फरमाइए। वाव ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम मीम पेश हम,
मीम नून या ज़बर मई या सीन ज़बर यस ता ज़बर ता मीम ज़ेर मी इन वापिश ऊ नून ज़बर ना व मिन हुम मई यस तमी ऊ ना हमज़ा ज़ेर ई लाम या ज़बर लईक का ज़बर का इलई का वक्फ करेंगे तो इलईक पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ फा ज़बर फा हमज़ा नून ज़बर अन ता ज़बर ता अफा अन ता सीन पेश तुस मीम ज़ेर मी इन सीन पेश उस स्वाद ता सीन पेश तुस मीम ज़ेर मी इन स्वाद पेश उस स्वाद मीम पेश सुम मीम ज़बर मा तुस्मी उस सुम मा वाव ज़बर वा लाम वाव ज़बर लव वा लव काफ़ले ज़बर का नून वा पेश नू का नून लाम अली ज़बर ला या इन ज़बर या काफ़ सिरकी लाम वा पेश लू नून ज़बर ना ला या किलू ना यहाँ वक्फ करेंगे तो ला या किलून पढ़ेंगे। चलते हैं नाज़रीन तिलावत की जानिब। सबसे पहले हम तिलावत करेंगे तरतील के साथ, तो आइए समाअत फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون। अब हम पढ़ेंगे हदर के साथ, जैसे नमाज तरावी में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। अब हम पढ़ेंगे तदवीर के साथ, जिस तरह फर्ज नमाजों में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। आमनतु बिल्लाही सदकल्लाहु अज़ीम। तिलावत मुकम्मल हुई, हमारे इस प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आपको लिए चलते हैं सेकंड सेगमेंट की जानिब। तफहीमुल कुरान, ये हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हर्फ ब हर्फ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की जानिब। वा और मिन से हम उन मन वो जो यस्तमीऊना वो कान लगाते हैं इला तरफ का तुम्हारी आ क्या फा पस अंता आप तुस्मिउ सुनाते हैं अस्सुम्मा बहरों को वा और लव अगरचे कानू वो हों लायाकिलूना वो अकल नहीं रखते। आइए नाज़िम चलते हैं आसान फ़ाहम बा मुहावरा तर्जुमे की जाने। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। और उनमें से बास आपकी तरफ कान लगाते हैं तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे ख्वाह वो कुछ भी ना समझते हो। और उनमें से बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे ख्वाह वो कुछ भी ना समझते हो। नाज़रीन व सामईन, ये आसान फ़हम बा मुहावरा तर्जमा। अब आइए चलते हैं तफसीर की जानिब। तफसीर में नाज़रीन जो आयत नंबर 41 है, पहले उसकी तफसीर करेंगे, फिर इंशाअल्लाह 42 की तरफ आएंगे। उसमें क्या फरमाया कि वह इन कज़बू का फ़कुल ली अमली वलकुम अमलुकुम अंतुम बरी ऊना मिम्मा अमलू व अन बरी उम मिम्मा तामलून। और अगर ये आपकी तकजीब करें, आपको झुटलाएं, तो आप कहिए मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। तुम उन कामों से बरी उज़िम्मा हो जो मैं करता हूँ और मैं उन कामों से बरी उज़िम्मा हूँ जो तुम करते हो। नाज़रीन इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं जाना है ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और नाज़रीन तर्जमा हो चुका है, लफ्ज़ी तर्जमा भी बा मुहावरा तर्जमा भी। अब तफसीर जो है हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं आयत नंबर 41 के।
नाज़रीन व सामईन, इसमें जो तर्जुमा है वो हमने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है और इसकी तफसीर में फरमाया गया कि हर शख्स अपने आमाल का जवाब दे है। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यानी मैंने जो दीन की तबलीग की और एक काफिरों तुम्हें अल्लाह की तौहीद को मानने, उसकी इताअत करने, उसकी इबादत करने की दावत दी है, मुझे इसका सवाब मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे शिर्क की सज़ा मिलेगी और किसी शख्स से दूसरे शख्स के आमाल का मुआखज़ा नहीं होगा। और ये मज़मून कुरान मजीद की आयात में मौजूद है। अम यकूलून अफ्तरा कुल इन इफ्तरैतुहु फअलैया इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, सूरह हूद की आयत नंबर 35। क्या वो ये कहते हैं कि उसने इस कुरान को अस खुद घड़ लिया है? आप कहिए कि अगर मैंने इसको घड़ लिया है तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं तुम्हारे गुनाहों से बरीउ जिम्मा हूँ। कुल्ला तुसअलूना अम्मा अजरमना वला नुसअलू अम्मा तामलून, सूरह सबा की आयत नंबर 35। आप कहिए कि अगर बिलफर्ज हमने कोई जुर्म किया है तो तुमसे इसके मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा और तुम्हारे कामों के मुतालिक हमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन ये बात तो तय है कि फिर दूसरे मकाम पर यह भी फरमाया सूरह अल अनआम की आयत नंबर 164। वला तकसिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और हर शख्स जो बुराई करता है वो उसी पर है और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। नाज़रीन ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि हर एक अपने आमाल का ज़िम्मेदार है और किसी शख्स से दूसरे शख्स के आमाल का मुआखज़ा नहीं होगा। नाज़रीन ये बात तो तय है, कुरान और हदीस से साबित है। अब ये बात रही ये बात कि जो है वो कुरान करीम ने ये भी फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, दूसरे मकाम पर ये भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाकत में ना डाले, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। और ये भी फरमाया कि तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। अब किसी ने औलाद की सही तरबियत की, ठीक है, अब वो औलाद बड़ी हुई और वो अच्छे काम करती है तो ज़ाहिर है कि उसका सवाब उसे मिलेगा क्योंकि वालदे ने तरबियत की है, जिसने तरबियत की उसको सवाब मिलेगा। और अगर किसी ने अपनी औलाद की सही तरबियत की लेकिन बड़े होकर बालिग होकर वो औलाद नाफरमान निकली, अल्लाह ताला की भी नाफरमान निकली, वालदेन की भी नाफरमान निकली, तो चूँकि वालदेन ने पूरी कोशिश की थी इसीलिए उन पर मुआखज़ा नहीं होगा। जैसे नू अलैहिस्सलाम का बेटा किनान है तो ज़ाहिर है कि नू अलैहिस्सलाम ने कितनी तरबियत की होगी, लेकिन बड़े होकर वो नाफरमान निकला और वो भी अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार हुआ। रब ताला ने फरमाया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसके काम बड़े गंदे हैं, इसके काम अच्छे नहीं हैं, तो अब मुआखज़ा नहीं होगा। लेकिन तीसरी सूरत यह है कि किसी ने अपनी औलाद की तरबियत की ही नहीं और अब बड़े होकर वो नाफरमान निकली, तो अब नाज़रीन जो वो गलत काम होंगे उसके उसका मुआखज़ा उसके वालिदैन से होगा। हदीस पाक में कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर औलाद कहेगी कि हमारे इस बाप को भी जहन्नम में डालो हमारे साथ, क्यों? कहा कि वो कहेगा मैं तो नमाज़ पढ़ता था, मैं तो रोज़े रखता था, मैं तो नेक काम करता था, तो फिर क्यों? कहा इसलिए कि ये खुद तो अच्छे काम करता था लेकिन इसने कभी हमें अच्छे कामों की तरफ तरबियत नहीं की, रहनुमाई नहीं की, हमें नहीं बुलाया, तो इसी पादाश में उसे भी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो नाज़रीन व सामईन ये बात याद रखें कि ये जो हकीकत है जो हमने इससे पहले अर्ज़ किया कि कोई किसी का ज़िम्मेदार यानी किसी शख्स से दूसरे शख्स के आमाल का मुआखज़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल अपनी जगह पर है। लेकिन फिर इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की और ये भी कुरान और हदीस की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में। फिर इसी तरीके से आप नहीं पढ़ते कि इब्ने आदम का हर अमल उसकी मौत के साथ मुनक़ते हो जाता है, इल्ला मिन सलासा, मगर तीन अमाल मुनक़ते नहीं होते। नंबर एक सदक़ा जारिया, कभी मुनक़ते नहीं होगा, पानी कहीं लगा दिया उसने, कुआं खुदवा दिया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनवाया, किसी गरीब की मदद की, किसी यानी किसी भी वेलफेयर्स के कामों में हिस्सा लिया,
तो जब तक लोग उससे मुस्तफीज होते रहेंगे उसे सवाब मिलता रहेगा। दूसरा इल्म नाफे इल्मिन के जो इल्म छोड़कर मराना, किताबों की सूरत में, स्टूडेंट्स की सूरत में, अपनी तकारीर की सूरत में उसका सवाब उसे मिलेगा। जो जो सुनेगा, जो जो हिदायत पाएगा उसे मिलेगा सवाब। फिर तीसरी चीज़ वलदिन सालिह। अब आप देखें वलदिन सालिह, ये वलदिन सालिह क्यों, यानी नेक औलाद क्यों? फरमाया कि इसलिए कि यदऊ लहू, उसके लिए वो दुआ करती है। तो नाज़रीन व सामईन, याद रखें कि कोई शख्स दूसरों के आमाल का जिम्मेदार नहीं होता, उससे उसका मुआखजा नहीं होता। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, मुझसे ये पूछा जाएगा मैंने क्या किया है। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपनी औलाद को तरबियत दूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने पसे पुश डाला तो मुझसे पूछा जाएगा और मैंने पूरी कोशिश की तो मुआखजा नहीं होगा। तो नाज़रीन व सामईन, ये बात इसलिए मैंने यहाँ पर की ताकि बात सही तौर पर हमारी समझ में आ जाए। और इमाम मुकातिल ने कहा कि ये जो आयत करीमा है, आयत नंबर 41, ये जिहाद की आयत से मनसूख है। जामिउल बयान में इसका बयान मौजूद है, लेकिन फरमाया गया कि ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस आयत में ये बयान किया गया कि कोई शख्स दूसरे के आमाल का जवाब दे नहीं है और ये हुक्म बाकी है, मनसूख नहीं है। दरअसल इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि अगर ये मुशरिकीन आपकी मुसलसल जिद्दोजहद, मुसलसल तबलीग करने के बावजूद मुसलमान नहीं होते तो आप गम और फिक्र ना करें, आपको आपकी तबलीग पर अजर मिलेगा और इनको इस्लाम कबूल ना करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर शख्स अपने आमाल का जवाब दे है। नाज़रीन व सामईन, अब जो अगली आयत करीमा है, आयत नंबर 42, कि उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगा कर सुनते हैं, तो क्या आप बहनों को सुनाएंगे ख्वाह वो कुछ भी ना समझते हो? इससे क्या मुराद है? तो इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिएगा, कल हम आपकी खिदमत में तफसीर के सेगमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज़ करेंगे। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का जो सेकेंड सेगमेंट है वो कम्प्लीट हुआ। आपको लिए चलते हैं थर्ड और लास्ट सेगमेंट की जानिब, कुरान सब के लिए। ये सेगमेंट आपका सेगमेंट है, दुनिया भर से हमें कॉल्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर्स डिस्प्ले हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी खित्ते, किसी मुल्क से उठाइए अपने फ़ोन, डायल कीजिए नंबर्स को, ज्वाइन कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। देखते हैं लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कहाँ से? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। और उनमें से बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे ख्वाब वो कुछ भी ना समझते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी, जब हमें ज्वाइन करें और बिलखसूस जो नए कॉलर्स हमें ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको पहले ही अर्ज़ करूं कि एक तो मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ आप हमें ज्वाइन किया करें, इधर उधर ना तवज्जो हो ताकि जो है वो सही कॉल लगे। दूसरी बात यह है कि टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें ताकि आपकी आवाज़ हमें सही पहुँचे, हमारी आवाज़ आप तक सही पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह, कहाँ से? मस्तद भाई से। जी मेरी बहन, सबक को तर्जुमा सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यस्तमिउना इलैक अफा अंता तुस्मिउस सुम्मा वलौ कानू ला यअक्लून। में मीम को खींचिए मत, अफा अंता तुस्मिउस सुम्मा वलौ वलौ कानू ला यअक्लून। अच्छा, सुम्मा में मीम पर फकत जबर है ना, इसे खींच कर नहीं पढ़ना, सुम्मा वलौ कानू ला यअक्लून। बाकी माशाल्लाह आपने सही पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी मेरी बहन, सबक का तर्जुमा सुनाइए। जी अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ। ترجمہ، اور
और उनमें से बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे, ख्वाब वो कुछ भी ना समझते हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी जी कहाँ से? अबरी सांगला वाला से। सांगला वाला से। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, चलें सबों को तर्जमा सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा सबों को तर्जमा सुनाएं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनहुम मन यस्तमिउना इलैक अफअन्त तुस्मिउ लौ कानू ला यअकिलून। और उनमें से बाज कान आपकी तरफ लगाते हैं, तो क्या आप बहरों को सुनाएंगे, ख्वाब वो पल ना रखते हो। इतनी माशाल्लाह छोटी सी बच्ची और बड़े अच्छे अंदाज में ये सुनाती है, दिल खुश हो जाता है, अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से? मैं शाम खास से। जी सुनाइए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप सुनाएं। मेरी बहन इसी में पड़े रहेंगे कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी होती है और ज़रा सा भी दरमियान में इस तरह वक्फा आता है ना तो बहुत हर्ज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कहाँ से? जी कहाँ से? चकवाल से। जी सुनाइए सुनाइए। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिनहुम यस्तमिउना इलैक अफअन्ता तुस्मिउस्सुम्मा वलौ कानू ला यअकिलून। चले मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते इतवार के से पहले 4 बजे से लाइव पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे से और सुबह 8 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा करते हैं। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पर भी आप इसे डेट बाई डेट कुरान सुनिए और सुनाई के नाम से सर्च कर सकते हैं। औरों को भी तरगीब दीजिए। हमारा ये मकसद है कि हर एक कुरान करीम से जुड़ जाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाजिरी होगी। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ए आर वाई क्यू टी वी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।